टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है स्टेट लैंड से जुड़े, यानी जितने भी कब्जादारियां जिन्होंने या जिनके पास सरकार की जमीन है उनके लिए बड़ी खबर है। यानी साफ तौर पर एक बैठक की गई जिस बैठक में ब्यूरोक्रेट थे और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के यानी के डिपार्टमेंट के हेड थे, इंस्टीट्यूशन के हेड थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कोई भी सरकार की जमीन यानी उस पर अगर किसी ने स्ट्रक्चर कोई खड़ा किया है या कोई आपदा यानी कि कुदरती आपदा का शिकार होता उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये पूरी खबर क्या आपके समक्ष रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स और देश के शीर्ष संस्थानों के विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति ने राय दी है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण राज्य भूमि यानी कि एनक्रोच्ड जो भूमि है सरकार की पर बनी संरचनाओं यानी के स्ट्रक्चर के संबंध में कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता, भले ही उन्हें नुकसान हो या प्राकृतिक आपदा के कारण हो, चाहे नुकसान हो यानी प्राकृतिक जो कुदरती जो आपदा आती है वो। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको उन्होंने कहा कि साफ तौर पर संयुक्त समिति उन मुद्दों से निपट रही थी जो डोडा जिले के थातरी इलाके में कई घरों में दरारें आने और उसके बाद पिछले साल फरवरी महीने में कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर यानी ट्रांसफर शिफ्ट करने और पारित निर्देशों के आलोक में सामने आए थे। नेशनल ग्रीन ट्यूबवेल ने 11 दिसंबर 2023 के अपने आदेश में कहा था, हमने पाया है कि संबंधित भूमि पर कब्जा करने और प्रभावित व्यक्तियों द्वारा निर्माण की अनुमति निष्क्रियता, अक्षमता या निगरानी या पर्यवेक्षी की कमी के कारण दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश और उसके पदाधिकारियों और सरकार की निष्क्रियता के कारण यानी इनएक्टिव के कारण संबंधित भूमि पर हिस्सेदारी बनाने की अनुमति दी गई है, इसीलिए यूटी उन लोगों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता जिसे यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यूटी जो अपनी इस जिम्मेदारी से यानी कि मुंह नहीं फेर सकता कि जिन लोगों को उन्होंने यानी कि जिन लोगों को उन्होंने जो ज़मीनें दी थी इसे जिम्मेदारी से नहीं बच सकता जिन्हें उन्हें नुकसान हुआ है। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनाई गई है और साफ तौर पर संयुक्त समिति ने पाया कि जो स्ट्रक्चर है राज्य की सरकार की भूमि पर बनाई गई है और नगर निगम के मानदंडों का यानी कि उनके रूल्स का उल्लंघन किया करते हुए वह अवैध है। समिति ने कहा यह कानून का शासन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, निजी व्यक्तियों और लोक सेवाओं और सेवकों की पूरी जानकारी और मिली भगत से किया गया है। समिति ने कहा कि ना तो निजी मालिक और ना ही संबंधित लोक सेवक खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं, ये देखते हुए कि ऐसी नीति मानदंड नहीं है जिसके तहत अवैध कब्जाधारियों को या उन्हें स्ट्रक्चर बनाया हुआ नुकसान की भरपाई की जा सके। संयुक्त समिति ने राय दी है कि उन मामलों में भी कोई मुआवजा दिया नहीं है जहां ऐसी अवैध जो स्ट्रक्चर को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किया गया है। संयुक्त समिति के सदस्यों ने कहा कि राज्य भूमि के एक ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जिन पर पिछले वर्षों से अतिक्रमण किया गया है और न केवल इस प्रभावित क्षेत्र में बल्कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कब्जाधारियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया है। अवैध कब्जे के मुद्दे से निपटने के उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता और इस पर तथ्य पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वर्तमान में की गई कार्रवाई में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां भविष्य की घटनाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित की जाए। यहां यह उल्लेखनीय करना उचित है कि SDRF मानदंडों के अनुसार राहत पहले ही प्रदान की जा चुकी है और मानदंडों के अनुसार भूमिहीनों को PMSY जी के तहत यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमि दी गई है। भाग लेने वाले अधिकारियों के साथ साथ विशेषज्ञ सदस्यों ने महसूस किया कि यदि इस मामले में मुआवजे के भुगतान पर विचार किया जाता है तो संभावना है कि ये एक मिसाल बन सकता है जिससे आने वाले समय में आगे अतिक्रमणों और अवैध कब्जाधारी जो है बढ़ सकते हैं, इसलिए यानी के भूमि का निपटारा खोलने से पहले केंद्र को प्रचार सरकार को इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। इसे एक नीतिगत मामले के रूप में निपटाना जाना चाहिए और आगे बढ़ने से पहले आवश्यक दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा यहाँ तक कि कानून सचिव की भी राय की क्योंकि वर्तमान में ऐसे कोई नियम दिशा निर्देश नहीं है कि जिनकी यूटी सरकार द्वारा पालन किया जा सके, इसलिए मुआवजे का
भुगतान करने की कार्यवाही केंद्र शासित प्रदेश में एक नई मिसाल कायम करेगी। बताना चाहेंगे नियमों निर्देश दिशा निर्देशों के अभाव में ये महसूस किया गया है कि राज्य की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई किसी भी यानी कि स्ट्रक्चर को क्षतिग्रस्त होने पर सरकारी खजाने की कीमत पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। निर्माण कृषि संपत्ति के मूल्यांकन के लिए किस मूलधन का उपयोग किया जाना चाहिए और साथ ही साथ अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जे की गई राज्य भूमि पर बागवानी या अन्य संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, उन्हें नीतिगत निर्णय लेकर संबोधित करने की आवश्यकता है। संयुक्त समिति के सर्वसम्मति से इन सभी मुद्दों और टिप्पणियों को इस मामले पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष रखा है, जिसमें यूटी को आगे बढ़ने की आवश्यकता चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कमेटी के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो कि उच्च स्तर के ब्यूरोक्रेट साथ ही साथ कई संस्थानों के जो कि हेड बैठे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भूमि सरकार की ओर कब्जाधारी कब्जा कर बैठे हुए हैं, उन्हें अगर कोई आपदा आ जाती या उन्हें कोई नुकसान होता जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं देना चाहिए। अब देखना यह इस मीटिंग में चर्चा तो हुई है, क्या आने वाले समय में इस तरह का कोई कानून लागू होगा, आपका क्या कहना है इस वीडियो में, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।